खबर जालौन से है, जहां पिछले दिनों से जालौन की जनता पानी को लेकर परेशान है। वहीं नगर से दूर स्थित काशी कॉलोनी में पानी न आने से यहां के निवासियों को पेयजल संकट का सामना इस भीषण गर्मी में करना पड़ रहा है। इसके साथ ही नगर के तमाम मोहल्ले में सरकारी हैंडपंप खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से पेयजल की किल्लत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या को लेकर जिले भर से दर्जनों लोगों ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया। बता दें कि गर्मी के इस मौसम में जिले भर में जल संकट गहराने लगता है, तो वहीं उरई मुख्यालय के कई मोहल्ले पानी को लेकर जूझ रहे हैं। तो कोच रोड स्थित काशीराम कॉलोनी निवासियों ने पिछले 2 महीने से पानी की समस्या को लेकर लगातार शिकायत की और शीघ्र ही जल समस्या से निजात पाने की गुहार लगाई। इस बीच कॉलोनी वालों ने जमकर हंगामा काटा। जालौन से रामजी व्यास की रिपोर्ट। नीलू वर्मा, अरे क्या समस्या है आपके यहाँ पर? यहाँ पे 3 साल से पानी बिल्कुल दिया ही नहीं जाता। क्यों? पता नहीं क्यों, वहाँ से लाइन से वहाँ तक सर्दियों में 6 महीने तक तो आता है, उसके बाद नहीं आता 3 साल से। अभी अभी कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? मार्च से ही नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने शिकायत नहीं करी अभी? बराबर यही को करते रहते कम्प्लेन, कहीं इधर से लाइन खराब है, कहीं वहाँ से लाइन खराब है। अच्छा, तो पानी के तक तो उस कंप्लेन में पहुंच जाती हूँ, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। तो अभी कैसे समस्या हल हो रही है? अभी कैसे पानी? तीन दिन से बराबर यही को कर रहे हैं, बराबर कॉल। अच्छा, तब यही आज आया है। ठीक, यहाँ पे मतलब हैंडपम्प भी नहीं है और पानी की बहुत समस्या है, और पानी में एक अकेला ये बोर लगा है तो भरपाई नहीं हो पाती है पानी। अच्छा, अब यही है, मतलब बहुत लोग शिकायत भी कर चुके हैं, मतलब कोई सुनता नहीं है। ऐसे चंद्रमान जी, क्या समस्या पानी की? समस्या पानी की गांव में ज्यादा समस्या है, नलकूप कोई भी सही नहीं होता है, जोन सही होता है तो उससे पानी ज्यादा दिक्कत होती है। गर्मी का सीजन पड़ रहा है, बाटल लेकर नीचे गुजार रहे हैं। अच्छा, आपके हैंडपम्प लगे हैं क्या? हैंडपम्प लगे हैं, टंकी योजना आने की वजह से हैंडपम्प नहीं आ रहे। अब पानी जब तक उपलब्ध कराया जाए ये कभी निश्चित टाइम नहीं है। अभी अभी शिकायत करी गई पानी? अभी शिकायत नहीं करी गई, बोर हुआ है, ट्यूबवेल का बोर हुआ, टंकी बनना है, पाइप लाइन बिछ गई है, अब कनेक्शन होंगे जब पानी चालू होगा।